नागौर विभाग द्वारा संचालित पर्यावरण जन चेतना यात्रा का रथ थावला पहुंचने पर भव्य अभिनंदन किया गया। रथ के साथ आए सभी पर्यावरण प्रेमियों का अभिनंदन करते हुए पुष्प वर्षा की गई। पर्यावरण बचाने के नियम और पेड़ पौधे लगाने के अचूक तरीके बताते हुए पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाने का संकल्प दिया। पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि 13 से 27 अगस्त तक यह यात्रा निकाली जाएगी। आज पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण को लेकर समूचा विश्व चिंतित है। जल, जंगल और जमीन पर चारों ओर तेज गति से प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की अधिकाधिक कटाई, जल का दोहन, रासायनिक उर्वरक और सिंगल यूज प्लास्टिक आज पर्यावरण संतुलन का मुख्य कारण है। भारतीय संस्कृति का प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता रहा है। थावड़ा से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा की खास रिपोर्ट। चंद्रशेखर शर्मा, और आज मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा थावला कस्बे की, जहां पर पर्यावरण जन चेतना यात्रा थावला पहुंची है, जो नागौर पर्यावरण विभाग द्वारा ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। और थावला कस्बे में चारभुजा मंदिर पर आज इसका भव्य कार्यक्रम है, जहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में, सैकड़ों बच्चों के बीच में ये रैली निकाली जाएगी। मुख्य मार्गों से रैली निकालकर प्रत्येक लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि जीवन में एक पौधा सभी को लगाना है। तो आइए देखते हैं आज के इस कार्यक्रम की विशेष चल गया।